नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस 4 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देखते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऋतिक रोशन अपने फैंस के लिए बैक टू बैक कई ब्लॉकबस्टर मूवी लेकर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले उनकी फाइटर मूवी शामिल है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा डायरेक्ट है और ये मूवी एक्शन से भरपूर रहने वाली है। और इसमें पहली बार उनके साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हमें दीपिका पादुकोण देखने को मिलेगी। ये जोड़ी पहली बार ऑन स्क्रीन स्पेस साझा करती हुई देखने को मिलेगी। और इसके बाद जो ऋतिक रोशन मूवी लेकर आने वाले हैं वो है क्रिस 4 मूवी। ऋतिक रोशन इन दिनों क्रिस 4 को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अब तक कई बार इस फिल्म को लेकर खबरें आ चुकी है। इसी बीच फिल्म पर एक नया अपडेट भी सामने आया है। रिपोर्ट की माने तो अग्निपथ और शमशेरा जैसी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके करण मल्होत्रा को इस फिल्म की बागडोर दी गई है। और दावे की माने तो अब राकेश रोशन की जगह करण मल्होत्रा इस फिल्म का डायरेक्शन करेंगे और सपोर्टिंग डायरेक्टर के तौर पर राकेश रोशन रहेंगे, जो उनको यहाँ वो गलत हो गए वहाँ डायरेक्शन देंगे। पिता पुत्र की जोड़ी ने कथित तौर पर इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए करण को डायरेक्टर के रूप में चुना है, क्योंकि उनका मानना है कि वो एक विश्व स्तरीय प्रोडक्ट दे सकते है। राकेश रोशन ने इस फिल्म का बेसिक प्लॉट तय कर लिया है और अब वो करण के साथ इसके विजुअल पर काम करने की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। फिल्म फिलहाल अपने स्क्रिप्टिंग चरण में है, लेकिन टीम प्री प्रोडक्शन शुरू करने के लिए काफी उत्सुक है। रिपोर्ट्स की माने तो ऋतिक रोशन फाइटर मूवी के बाद ये क्रिस 4 की शूटिंग में जुड़ जाएंगे और एक क्रिस 4 मूवी को एक हाई लेवल के बजट पर बनाया जाएगा और अगले थर्ड पार्टों की तरह ही इस मूवी में वो सुपर हीरो का किरदार करते हुए देखने को मिलेगा और ये ब्लॉकबस्टर क्रिस फ्रेंचाइजी का 4th इंस्टॉलमेंट रहेगी। इस क्रिस 4 मूवी में हमें जादू वापस आता हुआ देखने को मिलेगा। इस मूवी में ऋतिक रोशन के साथ किट्टी का किरदार करते हुए रजनीकांत सर देखने को मिलेंगे और रावण का किरदार करते हुए शाहरुख खान भी इस मूवी में देखने को मिलेंगे। साथ में एक्ट्रेस के तौर पर प्रियंका चोपड़ा देखने को मिल सकती है और इस क्रिस 4 को एक हाई लेवल के बजट पर बनाएगा और इसमें बेहतरीन सॉन्ग भी देखने को मिलेंगे। और ये मूवी की शूटिंग अगले साल स्टार्ट होगी और इस मूवी की शूटिंग बहुत ही लंबी चलने वाली है। इसके लिए फैंस को और भी थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा इस क्रिस 4 मूवी को लेकर। तो दोस्तों, आप भी ये ब्लॉकबस्टर मूवी क्रिस का 4th सीक्वल क्रिस 4 देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे उनसे जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।